लेकिन वो मर जाती थी। और गांव वाले भी जानते थे कि मुर्गी को कौन सी बीमारी आती थी, और मैं खुद नहीं जानती थी कि मुर्गी को कौन सी बीमारी आती है और किस कारण से बचाव कर सकते मुर्गी को। इसे सर लोग आए गांव में, सर्वे किया और हमारी मीटिंग भी सर ने, फिर उसके बाद उनको हम संपर्क ऑफिस में बुलाए, वहाँ प्रशिक्षण दिया हमारा 3 दिवस का। उसके बाद हमने प्रशिक्षण लेके वापस आए, गांव में बैठक करी। बैठक में हमारे गांव में 30 समूह है, 30 समूह की महिलाएं 2-2 बुलाई। उसके बाद महिलाओं को समझाया कि मुर्गियाँ पालो आप और हम विवरणी और टीका लगाएंगे, उससे मुर्गियाँ तुम्हारी बचेगी और मरेगी नहीं, और उससे आप तुमको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे अपन किसान है, किसान को खेती से इतना लाभ तो नहीं मिलता, जैसे एक मुर्गी अपन बेचेंगे तो छोटा मोटा काम बच्चे पढ़ाने का या बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए, काफ़ी किताब लेने के लिए, इतना तो हो सकता मुर्गियों बेच के। ऐसा समझा के महिलाएं सब हमारे गांव की समझते। उसके बाद मुर्गियाँ पालते पालते हम टीका लगाते हैं, डिवर्मिंग करते हैं, उसके घर घर जाके साफ सफाई का ध्यान रखवाते कि साफ बर्तन में पानी दो, साफ बर्तन में दाना दो, खड़ा दाना मत डालो मुर्गियों को, कि गंदा दाना खाएगी तो मुर्गियाँ बीमार होगी, गंदा पानी पिएगी तो मुर्गियाँ बीमार होगी। ऐसे करते करते हम आज तक कर रहे हैं उसका काम, और मुर्गियाँ काफ़ी हमारे गांव में हैं। अभी पहले हमारे गांव में तो 200-300 मुर्गियाँ निकलती नहीं थी, अभी तो 6,000 इतनी मुर्गियाँ हमारे गांव में थी। और मैं 1 महीने के टीका लगाऊँ और डिवर्मिंग करके 4,000 रुपये कमा लेती थी।